कोरोना वायरस के डर से अब चाइना ही नहीं पूरी दुनिया हिल चुकी है और इंडिया को भी ये उसी तेजी से नुकसान पहुंचाने की ताक में है। किसने सोचा था कि डायमंड क्रूज पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जाएंगे और वहां ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि अपनी जान तक को बचाने के लिए सरकार को रेस्क्यू करने के लिए बोलना पड़ेगा। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से कंफर्म्ड पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 60,414 हो गई है। अकेले वेंसडे को 15,400 लोगों ने कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। अब ये सवाल उठता है, क्या चाइना कोरोना वायरस से बच भी पाएगा, क्योंकि इस डेडली वायरस से मरने वालों के लोगों की संख्या बढ़कर 1,370 हो गई है, जिसमें अकेले 13 फरवरी को 253 लोगों के मरने की न्यूज सामने आई है और वो सभी लोग चाइना से ही हैं। आप सभी इस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी, पहला, कैसे इंडिया में कोरोना वायरस अपने पांव फैला रहा है। अब भारत में वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स का काउंट 3 से बढ़कर 5 हो गया है। दूसरा, डायमंड क्रूज पर फंसे इंडियंस पर इस टाइम क्या बीत रही है। तीसरा, क्यों जापान क्रूज में फंसे भारतीयों को नहीं निकलने दे रहा। चौथा, कैसी है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा एक दिन में हजारों में बढ़ रहा है। और पांचवा, क्या मोदी सरकार जापान के क्रूज में फंसे इंडियंस को बचा पाएगी। अब बात करते हैं, क्या है इस डायमंड प्रिंसेस क्रूज की स्टोरी। डायमंड प्रिंसेस नाम का क्रूज जो 25 जनवरी को जापान से हांगकांग के लिए निकला था, इस क्रूज शिप पे कुल मिलाकर 3,711 लोग सवार थे, जिनमें से 132 क्रू मेंबर्स और 6 पैसेंजर्स को मिला के 138 भारतीय हैं। 31 जनवरी को एक ऐसे हांगकांग के शख्स का पता लगा जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड था और उसने भी इसी डायमंड प्रिंसेस क्रूज में बाकी लोगों के साथ ट्रैवल किया था। इस खबर के बाद क्रूज शिप में हड़कंप मच गया और क्रूज में सवार लोगों का टेस्ट किए जाने पर चौंका देने वाली बात सामने आई कि इनमें भी करीब 218 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जिनमें से 2 इंडियन क्रू मेंबर्स हैं। जापान गवर्नमेंट ने कहा कि इस क्रूज को 19 फरवरी तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा, किसी भी पैसेंजर को शिप से नहीं उतरने दिया जाएगा। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित पूरी दुनिया की नजर डायमंड प्रिंसेस क्रूज पे है, कहीं वुहान के बाद कोरोना वायरस का एपिसेंटर नहीं बन चुका, क्योंकि चाइना के बाद किसी भी अन्य देश से ज्यादा कोरोना वायरस के कंफर्म पॉजिटिव केसेस इस शिप पे डिटेक्ट हुए हैं और अभी तक कुल 3,711 सवार लोगों में से आधों को भी स्कैन नहीं किया गया है और डेली कोरोना वायरस के नए केस तो सामने आ ही रहे हैं। अब बात करते हैं कि इतनी जल्दी कैसे फैला ये वायरस। हांगकांग से जापान के रूट पे इनिशियली बस 10 लोग इस डेडली वायरस से पीड़ित थे, पर जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया, ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है। इसकी वजह से देखते ही देखते एक हफ्ते में ही इसने 218 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बात से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितनी तेजी से ये वायरस फैल रहा है और चाइना जैसे सुपर पावर की भी बस में ये नहीं रहा है। अब बात करते हैं कि भारत सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने ट्वीट करके इस न्यूज को कंफर्म किया है कि क्रूज पे सवार 2 इंडियंस का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस टाइम इंडिया का जापान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायलॉग जारी है और साथ ही मिनिस्टर्स ने भी बताया कि वो शिप में फंसे इंडियन क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स के साथ भी कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट में है, उनकी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और उनको रेस्क्यू करने सहित सभी ऑप्शंस पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि जान का बहुत खतरा बना हुआ है। इसलिए क्रू शिप में फंसे इंडियंस की फैमिलीज अपने अपने स्टेट के MP से गुहार लगा रही हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स को जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए। एक एक मिनट काटना उस क्रूज में जहां ये वायरस फैला हुआ है, आप सोच सकते हैं हवा में फैले जहर की तरह है। सांस लिया तो मरे, सांस नहीं लिया तो भी मरे। लेकिन इस वक्त क्योंकि जापान ने इस क्रूज को क्वारंटाइन में रखा हुआ है, इसलिए जापान गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इंडियंस को भी बाहर निकालना मुश्किल है।
इस टाइम इंडियंस ही नहीं बल्कि सभी नेशनल्स के लोग अपनी गवर्नमेंट से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बात कर रहे हैं। पूरी शिप पर इस टाइम टेंशन और पैनिक का माहौल है। एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें क्रूज में फंसे इंडियंस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई है कि अभी तक उनका किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं किया गया है, वो फंसे हुए हैं और उन्हें निकलने भी नहीं दिया जा रहा है, तो आप प्लीज हमें रेस्क्यू करवा के वापस अपने देश बुला लीजिए। मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहती हूँ, देखिए। So we are really requesting our Prime Minister of Prime Minister Modi, please just follow up these things and I would like to say all government, not only India, even UN, WHO, World Health Organization, just those people is still good on board, just send them home or some under medical treatment. Please, this is our appeal. I'm not going to against any government, any company policy. Just we need to our life safe. Thank you. अब सवाल आता है कि क्यों जापान क्रूज में फंसे लोगों को बाहर निकालकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता? कोरोना वायरस का नाम सुनते ही सभी देश कांप रहे हैं। यही वजह है कि क्रूज में फंसे लोगों को उतरने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कोरोना वायरस से पीड़ित लोग जब बाहर आएंगे, दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे, तो उनमें भी ये वायरस फैल जाएगा। इसलिए शिप के अंदर उन्हें 14 डेज के क्वारंटाइन में रखने का डिसीजन लिया गया है। अंटिल फरवरी 19th किसी को भी क्रूज से बाहर आने की अनुमति नहीं है। ये भी खबर है कि जिन लोगों की एज 80 से ऊपर है और तबीयत खराब है और जिन लोगों के रूम्स में बालकनी नहीं है, केवल उन्हीं को क्रूज से निकाला जा रहा है। लेकिन एक बार सोच के देखिए, उन फंसे पैसेंजर्स और उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। उनका 10x10 का कमरा जेल बनकर रह गया है। क्या वुहान के बाद डायमंड प्रिंसेस कोरोना वायरस का एपिसेंटर बन गया है? अब बात करते हैं कि क्यों इस क्रूज पे बिगड़ी सिचुएशन को टाइम पे नहीं संभाला गया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि लोग जब शुरू में कोरोना वायरस से बीमार होने लगे, उन्हें लगा कि ये पानी के जहाज में ट्रैवल करने से उनको मोशन सिकनेस या फिर डिजीनेस फील हो रही है। लेकिन ये खबर जैसे जैसे चाइना से फैलनी शुरू हुई और इंटरनेशनल मीडिया ने कवर की, तो पता चला कि एक इंसान जिसने क्रूज को बोर्ड किया था, वो इस वायरस से इन्फेक्टेड था। डायमंड क्रूज शिप को 5 अलग अलग कंट्रीज पे उतरने की रिक्वेस्ट की, बट कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी कंट्रीज ने मना कर दिया। उनको डर था कि कहीं उनके देश में ना फैल जाए। और फिर क्रूज की स्पीड कम होने की वजह से इसे जापान में वापस आने में हफ्ता लग गया और तब तक कोरोना वायरस अपना काम कर चुका था। WHO ने कोरोना वायरस को ग्लोबल क्लाइमेटी तो डिक्लेयर कर ही दिया था। अभी फिर से उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वो इस वायरस से लड़ने के लिए अपनी मजबूत तैयारी कर लें। अब बात करते हैं कि इसको रोकने के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है। कोरोना वायरस के देश में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने दिल्ली में हेल्थ स्टाफ में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जानकारी दी कि इस वायरस की अवेयरनेस मुहिम को और तेज किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ नया सीखने को मिला है, जिसमें आपको डराने या भय जगाने वाली नहीं बल्कि जागरूक करने वाली जानकारी दी गई है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर नहीं आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।